हाँ देखो अभी क्या है ना, हम लोग अभी जैसे जैसे मैं क्या क्या बढ़ा रहा हूँ इस बार, जैम का बढ़ाया, तो जैम हमने जैसे मैंने जैम का भी बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ये 4 बैच जैम का चल रहा है ना। तो गेट का जो है बैच 5, बैच 6, 2 बैच गेट का है ना। मतलब बैच 1 तो सिलेबस सिलेबस PYQ मॉक टेस्ट। तो ये अगर तुम ढंग से आपने अगर कंप्लीट कर जैम की तैयारी आपने अच्छे से कर ली ना, तो आपके CUET की 90% तैयारी हो गई, आपको अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आप पिछले साल भी देखो, अभी जो आप उन बच्चों से पूछो जो DU में है, BHU में, जो हमारे ही पढ़ाए हुए हैं हर जगह है, तो आप जो स्टैटिस्टिक्स सबसे भी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये वही बच्चे थे जो जैम बैच में थे एक्चुअली। जब जैम का एग्जाम दिया, जिनका जैम सिक्योर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर CUET में आए। तो प्रॉपर CUET का जो बैच मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो CUET का भी बैच स्टार्ट होगा मेरा। जैम का एग्जाम कब है? जैम 11 मार्च को, हाँ 11 फेब ग्यारह को, फरवरी 11 फेब को है। तो 11 फेब का CUET का बैच मेरा होगा, स्टार्ट होगा 15 फेब को, 15 फेब को स्टार्ट होगा CUET PG स्टैटिस्टिक्स का, ये 15 फेब को स्टार्ट होगा। बाकी आप लोगों को सॉरी करना है, जो बच्चा हमारे यहाँ जैम में था तो उसको ना एक रुपए एक्स्ट्रा पे करना है, ना कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा करना भी है। आपको क्या करना है, आप जैम की अभी बहुत अच्छे से तैयारी करो, पूरा फोकस अभी जैम पे दो, क्योंकि जैम का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस CUET का है। थोड़े एक दो टॉपिक अलग, वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैं करा दूंगा इसमें, तो हमारी क्लास एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, तो 15 फरवरी से लेके मान लो 15 मार्च को एग्जाम है। अभी मान लेते हैं कि 15 मार्च को CUET स्टैटिस्टिक्स PG का एग्जाम, ऐसा होगा नहीं, एग्जाम अराउंड 20-25 के बीच होगा, तो 20-25 मान लिया, 25 को एग्जाम एग्जाम्पल के लिए, तो 1 महीने 10 दिन हमारे पास है, 40 दिन है। तो 40 दिन में क्या करेंगे हम, उस 40 दिन में मैं आपको PYQ सॉल्व करा दूंगा पिछले साल वाले, एंड कुछ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे किस पैटर्न पे, CUET के पैटर्न पे। जैसे अभी आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो जैम पैटर्न का है, इसमें जो मॉक टेस्ट चल रहा है बैच 4 जो हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच है, तो इसमें तो जैम पैटर्न का मॉक टेस्ट चल रहा है ना, तो इसमें कुछ मॉक टेस्ट ये होगा। सिलेबस आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिलेबस जो आपने जैम में जो सिलेबस कवर किया है उतना काफी है CUET के सिलेबस के लिए। बस आप PYQ और CUET क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जैम के कंपटीशन में। जो बच्चा जैम का पूरा PYQ 4-5 बार किया है ना, वो CUET का पेपर उठाया उसको बहुत हल्का लगेगा, उसको लगेगा कितना बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा, आप देख लो सॉल्व करके। CUET एग्जाम का लेवल कम है, जैम का एग्जाम का लेवल ज्यादा है ना। तो जिन बच्चों ने जैम लेवल की आपकी प्रिपरेशन हुई है, तो CUET आपके लिए बहुत आसान है, तो CUET एग्जाम आप ऐसे ही निकाल लोगे आप। जो बच्चा प्रॉपर CUET की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसका लेवल कम है। तो जो हमने किया हो ना, कि जो बच्चा हमारे यहाँ जैम बैच में नहीं है वो CUET का बैच करना चाहता है, तो पिछले साल मैंने पिछले चार क्योंकि पिछले साल CUET का एग्जाम जून जुलाई में हुआ था, आई थिंक मई जून में हुआ था ना, जून में होना जून में सर, ना, हम लोग का क्लास है सर अब। हाँ करते हैं स्टार्ट, बता देता हूँ बस इसको मैं। तो जून में स्टार्ट हुआ था, जून में एग्जाम हुआ था, तो जो हमने फिर फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 5 महीने मैंने CUET के प्रॉपर बैच चलाए थे, तो उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल पैकेज वाले में या अलग से मिल जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं अलग से करने का, जो जैम के बच्चे हैं उनको तैयारी उन्हीं से हो जाएगा, उसी से एडमिशन हो जाएगा जैम लेवल से ही। जो बाहर के बच्चे उनको मैंने बहुत सस्ती फीस रखी, 1000 रुपये फीस है बस, 1000 रुपये। वो पिछले साल जो मैंने पढ़ाए थे 5 महीने, उसमें पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक्स भी, मैथमेटिक्स भी, PYQ भी कराए, कुछ मॉक टेस्ट भी कराया, उसके सोल्यूशन भी कराए हुए, तो उसका था। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है, जैम की तैयारी करा उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अभी आप जैम का फुल फोकस करो, जैम एग्जाम हो जाए, मन हो CUET देने का, तो उसके बाद 15 फरवरी से CUET का बैच आएगा, उसमें PYQ और मॉक टेस्ट करेंगे बस, उसका सॉल्यूशन मॉक टेस्ट का डिस्कशन, फिर एग्जाम तक यही चलेगा, ठीक है ना। ओके तो हम लोग गेट का वो स्टार्ट करते हैं।